How are you all? I hope you all are doing good. So stay safe. Now today we will start a new chapter in EVS, that is chapter 7, magnificence of trees. So jo naya chapter hum start kar rahe hain, that is chapter 7. Theek hai, ab yahan par is chapter mein jo hum padhne wale hain wo hai importance of trees ke bare mein. Theek hai, jaise ki aap sabhi jante hain कि गवर्नमेंट आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन उन्होंने निकाला है जिसके थ्रू ट्रीज को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. सो इस चैप्टर में आपको दो कैरेक्टर्स मिलेंगे. ठीक है, दो कैरेक्टर कौन से? मदर एंड गॉड. तो ये दो कैरेक्टर हैं और इस स्टोरी में क्या होगा, इस वाले पार्ट में जो मदर है, ठीक है, वो गौरी को एक स्टोरी सुनाएगी. With that, उसे explain करेगी क्या the importance of trees, why it is important to save trees and क्या किया जाता था पहले के time में पेड़ को बचाने के लिए. तो यहाँ पर हमारे दो character आ जाएंगे, mother and गौरी, और इनके बीच में जो convo होता है, ठीक है, वही convo यहाँ पर मैं explain करूँगी. It means conversation and the conversation is based on the topic importance of trees. So basically इस chapter में होता क्या है कि मदर और गौरी के बीच में बात चल रही होती है और मदर बता गौरी पूछती है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड कैसे लोग उनको सेव करते थे और क्यों करते थे. तो यहाँ पर मदर उसको सबसे पहली चीज बताती है कि पुराने टाइम में, इन एंशियंट टाइम्स, वी यूज टू प्रे ट्रीज, ओके, वी यूज टू वर्शिप द ट्रीज. हम पेड़ पौधों को पूजा करते थे, अभी भी करते हैं, जैसे कि आंवले का पेड़ है, बनियन ट्री है, तुलसी का प्लांट है, पीपल ट्री है, तो इनको हम क्या करते हैं, वॉशिप करते हैं. तो वो वॉशिप करने का रीज़न क्या होता है? वॉशिप करने का जो मेन रीज़न होता है वो एक मैसेज पहुंचाना होता है लोगों को, टू स्प्रेड अवेयरनेस दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेव ट्री. वो एक मैथड है, एक वे है ट्री को प्रोटेक्ट करने का. ओके, सो दिस इज वॉट मदर एक्सप्लेन्स टू गौरी. तो गौरी कहती है कि ठीक है, लेकिन क्यों बचाना है, पेड़ को बचा के क्या करना है, क्यों बचाना है? तो मदर बताती है कि पेड़ को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें क्या देता है, शेल्टर एंड फूड. प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर्स एंड फूड टू बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. तो यहाँ पर ये चीज उसने एक्सप्लेन किया मदर ने किसे, गौरी को. तो गौरी कहते हैं कि हाँ हाँ, ये तो मुझे पता चला, थैंक यू बताने के लिए, लेकिन मैंने एक स्टोरी सुनी है बट मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ मैंने नहीं सुना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक प्लांट को प्रोटेक्ट करने वाली एक स्टोरी है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? तो मदर कहती है यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. तो मदर वहाँ पर क्या करती है, मेन स्टोरी स्टार्ट करती है और उस स्टोरी के थ्रू समझाती है कि कितना ज़रूरी है पेड़ को बचाना और पहले के टाइम में लोग कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते थे टूवर्ड्स द ट्रीज एंड प्लांट्स, कि वो कितना ज़्यादा उनको कंजर्व करने की कोशिश करते थे. तो यहाँ पर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, द किंग ऑफ जोधपुर. सो एक टाइम की बात है, वंस अपॉन अ टाइम जोधपुर के जो किंग थे, रिक्वायर्ड वुड्स, उनको क्या चाहिए थे, लकड़ियाँ चाहिए थी, वुड्स चाहिए था कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस. अब उनको लकड़ी की जरूरत तो थी, लेकिन लकड़ी की जरूरत उन्हें क्यों थी, पैलेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि पैलेस को और ज्यादा बिल्ड
इन पेड़ों को काट पाओगे. सोल्जर्स कट द ट्रीज अलोंग विद द विलेजर्स. देन क्या हुआ कि उन्होंने ये चीज अपने राजा को बताई, अपने किंग को बताया, तो किंग ने कहा कि नो आई नीड वुड एट एनी कॉस्ट. उनको वुड चाहिए किसी भी कीमत पर. ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, सोल्जर्स ने ट्रीज को कट करना शुरू कर दिया विद द विलेजर्स. यानी क्योंकि अमेरिका के लिए ये स्टेटमेंट था कि आप मुझे काटोगे उसके बाद इन पेड़ों को काटोगे, तो उन्होंने क्या किया, विलेजर्स को भी कट करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको भी मारना शुरू कर दिया था. 363 people along with Amrita Devi Bishnoi sacrificed their lives to save Ajeri trees. Then वुड तो उनको चाहिए था, तो उन्होंने वुड तो लिया, लेकिन कितने लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, 363 पीपल, उसके साथ और किसने, अमृता देवी बिश्नोई, जिसने पेड़ को बचाने की पूरी कोशिश की. पीपल टुक एन इंस्पिरेशन. देन जब उन्होंने देखा कि कैसे लोग पुराने टाइम में इतने ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड थे टुवर्ड्स द ट्रीज, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो उन्होंने इसी चीज से इंस्पिरेशन देखी कि उन्होंने देखा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी जान दे दी हो जस्ट टू सेव अ ट्री. तो इस चीज से, इस इंसिडेंट से उन्होंने क्या लिया, इंस्पिरेशन लिया एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट. एंड देन इसी के बाद उन्होंने क्या किया, लोगों ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. यानी इस स्टोरी पे बेस्ड, इस इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड एक मूवमेंट निकला और इस मूवमेंट का नाम क्या था, चिपको मूवमेंट. तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि मदर ने गौरी को ये पूरी स्टोरी सुनाई और बताया कि कैसे लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया टू सेव द ट्रीज. तो गौरी ने कहा कि अपनी जान देने की जरूरत कहाँ है लोगों को, बस एक पेड़ को बचाने के लिए. तब मदर ने कहा कि प्लांट्स हमें क्या देता है, फूड, शेल्टर, पॉल्यूशन को रोकता है, सीरियल्स, फ्लावर्स, मेडिसिन, इतनी सारी चीजें हैं जो पेड़ हमें देता है, और बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, लाइट देने की जगह हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हमसे उन्हें काट रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू थिंग्स, है ना, जस्ट कुछ चीजों के लिए, हमारे मतलब के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं. अगर काट भी गए हैं तो एटलीस्ट आप उतना ग्रो भी तो करो, तो वो चीज हो ही नहीं रहा. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट इस वजह से टोटली डिस्टर्ब हो चुका है. तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में मदर ने गौरी को क्या समझाया, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड कि कैसे पहले के लोग पेड़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ उन्होंने किस तरीके से सेक्रीफाइस की.